हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 7 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। फैयंग विलेज इन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में फैयंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। डेविड मालपास हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ही वॉज US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स नॉमिनी एंड वॉन अनमोनियस अप्रूवल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ही हैज रिप्लेस्ड फॉर्मर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जिम योंग किम, हु लेफ्ट इन January 2019। डेविड मलपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नामित व्यक्ति थे और उन्होंने संस्था के कार्यकारी बोर्ड से सर्वसम्मति से जीत हासिल की थी। उन्होंने पूर्व विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के जनवरी 2019 में इस्तीफा देने के बाद उनका स्थान लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचारों की। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मेजर लार्सन एंड टर्बोज LNT's प्रपोजल टू एक्वायर अप टू 66.15% स्टेक इन मिंट्री। विद दिस नोड LNT हैज ओवरकम द फर्स्ट मेजर रेगुलेटरी हर्डल इन इट्स बिड फॉर होस्टाइल टेक ओवर ऑफ द बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड IT सर्विसेस फर्म। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने इंजीनियरिंग और निर्माण प्रमुख लार्सन एंड ट्रूबो LNT के माइंडस्ट्री में 66.15% हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नोड के साथ LNT ने बेंगलुरु में मुख्यालय वाली IT सेवाओं फर्म के हॉस्टल अधिग्रहण के लिए अपनी बोली में पहली बड़ी नियामक बाधा को पार कर लिया है। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक LVB अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लैंडर विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH थ्रू ए शेयर स्वैप डील। द मर्जर विल ऑल्सो इनेबल तमिलनाडु बेस्ड LVB टू ऑब्टेन ए लार्जर जियोग्राफिकल प्रेजेंस। लक्ष्मी विलास बैंक LVB के बोर्ड ने एक शेयर स्वैप सौदे के माध्यम से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ निजी क्षेत्र के ऋणदाता के विलय को मंजूरी दे दी है। विलय से इंडिया बुल्स को कम लागत वाली स्थिर निधियों तक पहुंचने और बैंकिंग में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। विलय से तमिलनाडु स्थित LVB को बड़ी भौगोलिक उपस्थिति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचार। प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ FIFA एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल FIFA कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर सर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।